नमस्कार दोस्तों, आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है क्लोज्ड सेट। तो सबसे पहले हम क्लोज्ड सेट की डेफिनेशंस लिखेंगे, उसके बाद उसके कुछ प्रॉपर्टीज एग्जांपल्स हम करेंगे। यहाँ पर इफ ए सेट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स, देन इट इज कॉल्ड ए क्लोज्ड सेट। ओके, फर्स्ट डेफिनेशन। तो किसी सेट के लिमिट पॉइंट्स का सेट, यानी कि डिराइव्ड सेट हम लें, दैट इज ए सेट एस इज क्लोज्ड, इफ डिराइव्ड सेट ऑफ एस इज कंटेन्ड इन एस। तो लिमिट पॉइंट्स का जो सेट है फ्रेंड्स, वो पूरी तरह से अगर एस के अंदर कंटेन कर रहा है, उस केस में हम कहते हैं कि सेट क्लोज्ड सेट होगा। सेकंड डेफिनेशन अगर हम इसकी लिखना चाहें, ए सेट एस इज सेट टू बी क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट आर माइनस एस इज ओपन। ए सेट इज सेट टू बी क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। ओके, आर इज यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सो आर माइनस एस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव द इक्विलेंस ऑफ दीज टू रिजल्ट्स। तो सबसे पहले तो हम एक रिजल्ट करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर जो दो रिजल्ट्स हमने किए हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। तो एक थ्योरम की फॉर्म में हम इसको कर रहे हैं। ए सेट एस जिस सबसेट ऑफ आर इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स all of its limit points, तो ये थ्योरम दोस्तों हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि सेट एस क्लोज्ड सेट है। तो क्लोज्ड सेट के लिए ये वाली डेफिनेशन हम काम में ले लेंगे। ए सेट इज सेट टू बी क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, देन वी विल प्रूव दैट इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। तो इसी तरह से कन्वर्सली हम ये मानेंगे, इफ ए सेट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट देन सेट इज क्लोज्ड, दैट इज वी विल प्रूव आर माइनस एस इज ओपन प्रूफ। लेट एस इज क्लोज्ड। सो बाई डेफिनेशन ऑफ क्लोज्ड सेट, जो सेकेंड वाली डेफिनेशन हमने काम में ली है, दिस इम्प्लाइज आर माइनस एस इज ओपन। रिक्वायर्ड टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, एस कंटेन्स All of its limit points. Suppose X is a limit point of S, but X is not element of S. तो यहाँ पर हम इस रिजल्ट को कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। पॉसिबल हो तो हमने ये मान लिया
क्योंकि प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव हमें ये करना है कि सेट एस अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है, यानी प्रूव हमें ये करना है कि अगर एक्स सेट एस का लिमिट पॉइंट है उस केस में एक्स सेट एस का एलिमेंट होगा। तो हम यहाँ पर रिजल्ट को कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं। अगर पॉसिबल हो तो हमने ये मान लिया x इज लिमिट पॉइंट ऑफ s बट इट इज नॉट मेंबर ऑफ s, तो यहाँ से हमें कुछ ना कुछ कंट्राडिक्शन मिलना चाहिए। तो अगर हमें कोई कंट्राडिक्शन मिलना है इसका मतलब ये होगा कि हमारी अजम्पशन सही नहीं है। तो अगर x s का एलिमेंट नहीं है तो मैं देखिए यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू r माइनस s। अगर x s का एलिमेंट है तो निश्चित रूप से इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, x बिलोंग्स टू r माइनस s, बट हम ये मानकर चल रहे हैं कि s क्लोज्ड है। तो s क्लोज्ड है तो r माइनस s इज ओपन सेट। इफ r माइनस s इज एन ओपन सेट देन एवरी पॉइंट ऑफ r माइनस s इज इट्स इंटीरियर पॉइंट। इफ x इज एलिमेंट ऑफ r माइनस s देन वी कैन से दिस इम्प्लाइज x इज इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ आर माइनस एस, आर माइनस एस। एंड इफ एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ आर माइनस एस देन दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इन आर माइनस एस, इज कंटेन्ड इन आर माइनस एस। इफ दिस इंटरवल इज कंटेन्ड इन आर माइनस एस, अगर पूरी तरह से ये आर माइनस एस के अंदर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इस इंटरवल का कोई भी एलिमेंट एस का नहीं हो सकता। तो मैं यहां से लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज एक्स माइनस एप्साइलन एक्स प्लस एप्साइलन इंटरसेक्शन एस इक्वल टू फाइव, इक्वल टू फाइव, क्योंकि पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ रहा है इंटरवल, तो एस का कोई भी एलिमेंट इसमें हो नहीं सकता, अदरवाइज तो फिर पूरा इंटरवल आर माइनस एस में आएगा नहीं। तो ये इंटरसेक्शन फाई आ रहा है, अगर ये इंटरसेक्शन फाई आ रहा है तो ये डेफिनेशन क्या आ गई अपने पास, दिस इंप्लाइज एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस, एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हम ये मानकर चले हैं कि x s का लिमिट पॉइंट है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये अपने पास आ गया विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, तो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया देखिए अपने पास, क्योंकि हमने ये माना है x इज लिमिट पॉइंट ऑफ s बट x इज नॉट मेंबर ऑफ s, जबकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि x s का लिमिट पॉइंट है, लेकिन जैसे ही हमने लिया कि x s का मेंबर नहीं है तो हमारे पास ये कंडीशन आ रही है कि x s का लिमिट पॉइंट नहीं है। इसका मतलब जो हमने यहाँ पर माना है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू s वो गलत है, इसका मतलब सही क्या होगा, हेंस x इज एलिमेंट ऑफ एस इंप्लाइज एस कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स, कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स, ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स, ओके, क्योंकि एक्स आर्बिटेरी पॉइंट है और हमने ये देखा कि एक्स अगर एस का लिमिट पॉइंट है जबकि एस क्लोज सेट है उस केस में एक्स निश्चित रूप से सेट एस का एलिमेंट भी होगा। अगर इसका कन्वर्स पार्ट हम करना चाहें, कन्वर्स पार्ट में हम ये मान लेते हैं कि लेट एस कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स, लेट एस कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स, देन वी हैव टू प्रूव दैट एस इज क्लोज्ड, देन रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट एस इज क्लोज्ड। तो हमें प्रूव करना है कि एस क्लोज्ड है, एस को क्लोज्ड प्रूव करने के लिए हम ये प्रूव कर देंगे कि आर माइनस एस इज ओपन
दैट इज ये प्रूव करना है आर माइनस एस इज ओपन, आर माइनस एस इज ओपन। आर माइनस एस को ओपन प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, इस सेट का कोई भी एक पॉइंट लेंगे और प्रूव कर देंगे कि वो पॉइंट इस सेट का इंटीरियर पॉइंट है, और जो पॉइंट हम ले रहे हैं वो इसका आर्बिटेरी पॉइंट है, इसलिए कह सकते हैं कि हर एक पॉइंट इस सेट का क्या हो जाए, इंटीरियर पॉइंट, तो ये सेट क्या प्रूव हो जाएगा, ओपन सेट। तो मैं ले लेता हूँ, लेट लेट एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस एस, ओके एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस एस। अब एक्स को इसका मुझे इंटीरियर पॉइंट दिखाना, तो x अगर r माइनस एस का पॉइंट है तो यहां से मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज x डज नॉट बिलोंग टू s, ओके अगर s के कॉम्प्लीमेंट में है देन इट इज नॉट ए मेंबर ऑफ s, इफ x इज नॉट एलिमेंट ऑफ s दिस इंप्लाइज x इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ s। अगर x s का एलिमेंट नहीं है तो x s का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि s के अंदर इसके सारे के सारे क्या हैं, लिमिट पॉइंट, ओके लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो x इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ s, और अगर x s का लिमिट पॉइंट नहीं है दिस इंप्लाइज x माइनस एप्साइलन x प्लस एप्साइलन इंटरसेक्शन s इक्वल टू फाइव। कोई ना कोई एप्साइलन ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ये इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई, ओके। और ये इंटरसेक्शन अगर फाई आ रहा है तो हमारे पास ये बन गया दिस इंप्लाइज एक्स माइनस एप्साइलन एक्स प्लस एप्साइलन इज कंटेन्ड इन आर माइनस एस, क्योंकि अगर इस इंटरवल का इंटरसेक्शन एस के साथ फाई आ रहा है तो इसमें एस का कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब पूरा इंटरवल किस में कंटेन करेगा, आर माइनस एस में। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, यहाँ से x हमने r माइनस एस का पॉइंट लिया है और प्रूव कर दिया कि x का नेबरहुड बनाए तो वो नेबरहुड या ये कहें दिस ओपन इंटरवल कंप्लीटली r माइनस एस के अंदर लाई कर रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ r माइनस एस, इंटीरियर पॉइंट ऑफ r माइनस एस ऑफ आर माइनस एस, और x एक आर्बिटेरी पॉइंट है, इसका मतलब r माइनस एस का हर एक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट होगा, और किसी सेट का हर एक पॉइंट अगर उसका इंटीरियर पॉइंट है तब हम ये कह सकते हैं कि वो सेट क्या होगा, ओपन। दिस इंप्लाइज r माइनस एस इज ओपन, r माइनस एस इज ओपन, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इंप्लाइज s इज क्लोज्ड, s इज। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमने किया, जो दो डेफिनेशंस क्लोज सेट्स की हमने लिखी हैं। फर्स्ट डेफिनेशन, इफ ए सेट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स देन इट इज क्लोज्ड, एंड अदर डेफिनेशन इज ए सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, ओके। एंड दीज टू डेफिनेशंस आर सेम, because if first definition is true then we have proved that second is true, if second is true then first can be derived by this concept। अगर examples हम देखें तो examples करने के लिए जहाँ तक आसान रहता है first वाली definition, हम limit points का set find करने, कोई भी set अपने पास है उसको check करना है कि वो closed set होगा या नहीं होगा, तो उसके लिमिट पॉइंट्स का सेट हम फाइंड कर लें और फिर देखें कि क्या लिमिट पॉइंट्स का सेट उस सेट का सबसेट है, यानी डिराइव्ड सेट अगर उस सेट का सबसेट हो गया तब तो क्लोज्ड सेट हो जाएगा, अदरवाइज क्लोज्ड सेट होना पॉसिबल नहीं। तो एग्जांपल्स अपन देखें, एग्जांपल्स तो कुछ एक एग्जांपल्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो वापस स्टार्ट करते हैं अपन। फाई ये ले लिया मैंने, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जेड जेड सेट ऑफ इंटीजर्स, इसी तरह से क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट, आर आर क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी या हाफ क्लोज्ड हाफ ओपन कर दिया, ये मैंने कर दिया ओपन इंटरवल ए बी, ओके। तो देखें अपन यहाँ पर फाई को चेक करना है हमें, क्या फाई
क्लोज्ड सेट होगा। तो फाई को क्लोज सेट प्रूव करने के लिए हम देख सकते हैं कि फाई के अंदर तो कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है, इसका मतलब इसका कोई भी पॉइंट है उसका लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि कभी भी इस रिजल्ट को फेल हम करवा नहीं सकते इसका। तो फाई को ओपन और क्लोज दोनों ही हम मानते हैं, तो फाई इज क्लोज्ड एज वेल एज इट इज ओपन सेट। ओके, अब देखिए एन को मुझे चेक करना है, सेट एन को। अब सेट एन को चेक करने के लिए मुझे क्या करना है, डिराइव्ड सेट ऑफ एन मुझे फाइंड करना है, डिराइव्ड सेट ऑफ एन। तो डिराइव्ड सेट ऑफ एन मुझे पता है कि एन का कोई भी पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं होता, इसका मतलब इसके डिराइव्ड सेट के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं होगा, यानी इसका डिराइव्ड सेट क्या है, फाई। फाई और फाई हमेशा किसके अंदर कंटेन करेगा, एन के अंदर। तो क्या हुआ अपने पास कि डिराइव्ड सेट ऑफ एन इज सबसेट ऑफ एन, अगर ये कंडीशन ट्रू है इसका मतलब एन क्या है, क्लोज सेट। क्योंकि क्लोज सेट की यही डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, डिराइव्ड सेट ऑफ ए सेट इज कंटेंड इन दैट सेट, देन इट इज क्लोज सेट। इसी तरह से अगर जेड के केस में हम देखें, डिराइव्ड सेट ऑफ जेड हमें फाइंड करना है, तो हमें पता है कि जेड का कोई भी पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं होता, इसलिए डिराइव्ड सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो डिराइव्ड सेट इज फाई। एंड फाई इज सबसेट ऑफ जेड, इट इज ट्रू, हेंस जेड इज क्लोज सेट, जेड इज क्लोज सेट। अगेन डिराइव्ड सेट ऑफ क्यू अगर हम देखें, डिराइव्ड सेट ऑफ क्यू इक्वल टू, तो क्यू का कोई भी अगर रेशनल नंबर हम लें तो वो क्यू का लिमिट पॉइंट बनता है, कोई भी इरेशनल नंबर हम लें वो भी क्यू का लिमिट पॉइंट बनता है। इसका मतलब डिराइव्ड सेट ऑफ क्यू हमारे पास क्या आता है, आर। तो किस तरह से हमारे पास ये आता है, तो वो लिमिट पॉइंट वाला जो हमारा लेक्चर है फ्रेंड्स उसमें जाकर आप देख सकते हो, वहाँ पर क्यू का मैंने डिराइव्ड सेट फाइंड किया है और वो किसके बराबर आता है, आर के बराबर। तो आर क्या क्यू का सबसेट हो सकता है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, सेट ऑफ रियल नंबर सेट ऑफ रेशनल्स का सबसेट होना पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब डिराइव्ड सेट ऑफ क्यू इज नॉट कंटेंट इन क्यू, हेंस इट इज नॉट ए क्लोज सेट, नॉट ए क्लोज सेट। ओके, इसी तरह से अगर डिराइव्ड सेट हम फाइंड करें क्यू कॉम्प्लीमेंट का, तो अगेन ये आर के इक्वल होगा, विच इज नॉट सबसेट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट, सो इट इज ऑल्सो नॉट ए क्लोज सेट। डिराइव्ड सेट ऑफ आर इज इक्वल टू आर, डिराइव्ड सेट ऑफ आर इक्वल टू आर विच इज सबसेट ऑफ आर, हेंस इट इज क्लोज्ड सेट, हेंस इट इज क्लोज्ड सेट। ओके, आर का डिराइव्ड सेट आर ही होता है, ठीक है। तो अब डिराइव्ड सेट जितने भी यहाँ पर हम फाइंड कर लें, डिराइव्ड सेट जिसके हमने निकाले हैं जब लिमिट पॉइंट्स हमने डिफाइन किए थे, तो लिमिट पॉइंट्स वाले लेक्चर में जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये डिराइव्ड सेट बनेंगे। इसी तरह से अगर मुझे डिराइव्ड सेट फाइंड करना है इंटरवल का, ओके, इंटरवल का डिराइव्ड सेट क्या होगा, इंटरवल का हर एक पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट बनेगा, साथ ही बाउंड्री पॉइंट्स भी। ओके, तो इसका डिराइव्ड सेट तो वापस यही बनेगा। ओके, तो क्लोज्ड इंटरवल निश्चित रूप से क्या बनेगा, क्लोज सेट। इसी तरह से हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड, ठीक है, तो इनको मैं अभी एक बार समझा देता हूँ। अगर इंटरवल्स हम ले रहे हैं, इंटरवल सपोज ये इंटरवल हमने लिया ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, इसका मुझे डिराइव्ड सेट फाइंड करना है, डिराइव्ड सेट ऑफ दिस इंटरवल इक्वल टू डिराइव्ड सेट। अब हमें पता है कि इंटरवल का हर एक पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट होता है, साथ ही अगर ए पॉइंट हम लें तो बाउंड्री पॉइंट भी इसके क्या बनते हैं, लिमिट पॉइंट। तो इसका डिराइव्ड सेट आएगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो क्या ये ओपन इंटरवल ए बी का सबसेट है, क्या ये ओपन इंटरवल ए बी का सबसेट होगा, नहीं होगा कभी भी, क्योंकि इसमें और बी पॉइंट शामिल नहीं होते। तो डिराइव्ड सेट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी इज नॉट कंटेंट इन ओपन इंटरवल ए बी, हेंस ओपन इंटरवल इज नॉट ए क्लोज सेट, जबकि ओपन इंटरवल हमेशा क्या बनता है, ओपन सेट बनता है। इसी तरह से चाहे कोई सा भी मैं इंटरवल लिखूं, डिराइव्ड सेट ऑफ मान लीजिए क्लोज्ड इंटरवल का हमें देखना है, तो क्लोज्ड इंटरवल्स के लिमिट पॉइंट्स का सेट अगेन ए कोमा बी यही बनेगा, विच इज कंटेंड इन ए कोमा बी, सो क्लोज्ड इंटरवल इज ए क्लोज्ड सेट। हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड
अगर हम देखें तो वहाँ पर डिराइव्ड सेट हमेशा क्लोज सेट बनेगा, तो वो दोनों भी क्लोज सेट बनना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के सेट भी फ्रेंड्स हमारे पास हैं जो ना तो ओपन सेट हैं ना ही क्लोज सेट हैं। ये अपन पहले ही देख चुके हैं, जैसे सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स नॉट एन ओपन सेट नॉट ए क्लोज सेट, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स हाफ ओपन हाफ क्लोज सेट। ठीक है, तो देयर आर सेट्स विच नाइदर ओपन नोर क्लोज्ड। तो यहां से एक चीज क्लियर है कि जो मैथमेटिक्स में हम सेट्स पढ़ रहे हैं, क्लोज सेट और ओपन सेट, वो कोई दरवाजे नहीं है कि अगर क्लोज्ड है तो ओपन नहीं हो सकता, ओपन है तो क्लोज्ड नहीं हो सकता। अपने यहाँ पर जो सेट्स बनते हैं वो क्लोज्ड भी हो सकते हैं, ओपन भी हो सकते हैं, ओपन और क्लोज्ड दोनों भी हो सकते हैं, ओपन नहीं है क्लोज्ड हो सकता है, या ओपन और क्लोज्ड दोनों ही नहीं हो सकते। तो अलग अलग केसेज हैं, जैसे फाई अपन लें, फाई ओपन भी है क्लोज्ड भी है, आर ओपन भी है क्लोज्ड भी है। अब सेट क्यों लें अपन, सेट ऑफ रेशनल नंबर ना तो ओपन है ना ही क्लोज्ड है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स ना तो ओपन है ना ही क्लोज्ड है। ये इंटरवल मैंने बना दिया ए कोमा बी, हाफ क्लोज्ड हाफ ओपन, ना तो ओपन सेट है ना ही क्लोज्ड सेट। तो इस तरह के बहुत से सेट्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ओपन सेट्स की, क्लोज्ड सेट्स की डेफिनेशन और क्लोज्ड सेट की दोनों डेफिनेशन की इक्विलेंस, ये हमने इस लेक्चर में की है। जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोज्ड सेट्स। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी तरह का आपका सजेशन है तो वो कमेंट बॉक्स में डालिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।